आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। आज हम अपनी जो सीरीज चल रही है डायबिटीज शुगर के बारे में, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि कैसे डायबिटीज और शुगर का परमानेंट इलाज आयुर्वेद और होम्योपैथी में था, और आयुर्वेद और होम्योपैथी की जो फिलॉसफी है उसी को अपनाकर जो इंग्लिश मेडिसिन रिसर्च हुई है, जो आयुर्वेद और होम्योपैथी दवाइयां जिस तरीके से शुगर को ठीक करती थी वही तरीका अपनाकर दवाइयां बनाई गई हैं, और उसी तरीके से वो दवाइयां काम करती हैं, इसलिए वो ज्यादा इफेक्टिव हो गई हैं। पर अब उन्होंने क्या किया कि आयुर्वेद या होम्योपैथी जो है इसके लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। तो आप सभी को हम इस चैनल पर होम्योपैथी और आयुर्वेद जो हर्ब्स है उनका साइंटिफिक बेस बताते हैं, कैसे काम करती हैं वो। कितनी लेनी है किस बीमारी में, सारी हम बात कर सकते हैं, और क्या उनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो ये भी बात कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख के मैं काफी हद तक श्योर हूं कि आप किसी की भी शुगर ठीक कर सकते हो, चाहे शुगर की वजह से उसको कोई भी बीमारी हो गई है। पूरी साइंस को मैं आपको हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि ये सारा कुछ क्या नोट हुआ है और कैसे शुगर को आप होम्योपैथी या आयुर्वेदा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखते रहने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर के बटन को दबाकर, जो बेल का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस हर रोज आप तक पहले पहुंचती रहें। तो चलिए, डायबिटीज और शुगर है इसकी एक बहुत ही बढ़िया हर्बल प्लांट है, जो एक जिसको हम बिलवा बोलते हैं, जिसको हम बेल नाम के से भी जानते हैं, जिसके आपने देखा हो बेल का आप जूस भी पीते हो। ये एक पीले रंग का फ्रूट होता है जो इंडिया में हर जगह अब अवेलेबल हो जाता है ना। तो बिलवा को इंग्लिश में साइंटिफिक लैंग्वेज में हम एग्ले मर्मेलोस बोलते हैं, ये इसका साइंटिफिक नाम है। तो ये डायबिटीज शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया हर्बल प्लांट है। ये किसी की भी शुगर, चाहे वो इंसुलिन ले रहा हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, सभी की ये शुगर है 21 दिन के अंदर लगातार इस्तेमाल करते रहते हो, एक महीने के अंदर अंदर ये 45% तक आपकी नॉर्मलाइज कर देगा। आप चाहे इंसुलिन पे हैं, चाहे गोली ले रहे हैं, तो जैसे ही ये लेना शुरू करेंगे आप अपना प्रॉपर चेकअप शुगर का करवाते रहिएगा, क्योंकि ये नेचुरल जो हर्ब है आपकी शुगर डाउन कुदरती तरीके से बिना साइड इफेक्ट के डाउन करना शुरू करेगी और आपकी बॉडी को भी रिकवर करना शुरू करेगी। आप इसको ज्यादा लेते रहें, उधर से गोली लेते रहें, शुगर ज्यादा कम ना हो जाए, इसलिए अपनी जांच प्रॉपर करवाते रहें उन दिनों में जब ये लेते हैं। एक महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कितनी इसकी डोज इफेक्टिव है, फिर अपने आप ही वो टैबलेट है शुगर की वो कम कर लेंगे। तो इससे हम इंसुलिन और शुगर की गोली भी छुड़वा सकते हैं, अगर सही डॉक्टर के बताए हुए तरीके से हम चलते हैं। अब चलते हैं कि इसका साइंटिफिक बेस क्या है, कि आप कैसे समझोगे, क्योंकि बिना साइंस जाने आप इसके काम को कैसे करती है समझ नहीं पाएंगे और आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि शुगर कैसे कम करती है। तो ये तीन तरीके से शुगर कम करती है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। शुगर को ठीक करने के लिए किसी को भी डायबिटीज है, तीन चीजें ठीक होना बहुत जरूरी है। पहला है लिवर, दूसरा है पेंक्रियास, और तीसरा है इंटेस्टाइन। आंतड़ियां, पेट, लिवर, पेंक्रियास, तो तीन चीजें ठीक होना जरूरी है। पेंक्रियास एक तरह की ग्रंथि लगी होती है हमारे राइट साइड पे पेट के अंदर, जो एक हार्मोन छोड़ती है, रसायन छोड़ती है, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। ये इंसुलिन पेंक्रियास के अंदर एक हिस्सा लगा होता है जिसको बोलते हैं बीटा सेल्स। ये जो एक हिस्सा लगा होता है बीटा सेल्स, ये इंसुलिन छोड़ता है, और ये इंसुलिन है शुगर की मात्रा को बॉडी में, खून में, सेल्स में कम करता है। लिवर है, ये भी क्या करता है, ब्लड शुगर है उसको ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है, उसको ये पूरा मेटाबोलाइज करके शरीर से बाहर निकालता है। ये भी 30-40% लिवर है शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तीसरा है आंतड़ियां, आंतड़ियां
शुगर को कंट्रोल करने के लिए फंक्शन करती हैं कि आपकी बॉडी में अगर शुगर ज्यादा होगी है तो आप जो भी कुछ खाओगे, जैसे मीठा खा रहे हो आप, चीनी खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, तो वो जब आंतड़ियों के अंदर, पेट के अंदर जाती है तो उनमें से शुगर है आपके खून में ना पहुंच पाए, तो उनको ये आंतड़ियां रोकने का काम करती हैं। अगर आपके अंदर शुगर की कमी होगी है तो ये आंतड़ियां पेट में से जो आप खाते हो उसमें से शुगर ज्यादा निकालकर आपके खून में भेज देती हैं और शुगर को खून में जाने से रोकती भी है। तो ये तीनों चीजों का वर्किंग होना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्वा है, जो बेल है, ये इन तीनों चीजों को ही ठीक करता है। जैसे कि आंतड़ियों के अंदर ये इन ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है कि कितनी शुगर है वो खून के अंदर जाएगी आपका खाने के साथ। जो आपने मान लो अंगूर खा लिया है, हर एक चीज के अंदर शुगर है, गेहूं के अंदर है, आलू के अंदर बहुत ज्यादा शुगर है, चावल के अंदर बहुत ज्यादा शुगर है, मीठे फल बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उनमें से शुगर को निकालने का काम आंतड़ियों से शुरू होता है। तो बिल्वा यहां से आंतड़ियों से चीनी को खून में जाने से रोकता है, ब्लॉक करता है एक तरह का, और ऐसी कई बीमारियों को यह ठीक करता है जो ऐसे शुगर जिन बीमारियों के अंदर है खून के अंदर ज्यादा जाने लग जाती है। तो पहला स्टॉप ही यहां पे हो गया है, चीनी को रोकने वाला, खून के अंदर जाने वाला, जो बिल्वा काम करता है। दूसरा है ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। मान लो लीवर आपका बीमार हो गया, आपको हेपेटाइटिस था या आपने बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक या स्टीरॉइड खा ली थी, तो उनको ये ठीक करता है, लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। लीवर अपना जो 30-40% है जो शुगर को लीवर ने कंट्रोल करना होता है, जो आपका बीमार हो गया किसी न किसी वजह से, उसको ये ठीक करता है। तीसरा है, ये डायरेक्टली रिसर्च के अंदर पाया गया है कि जैसे आप जो गोली खाते हो शुगर की, जो टैबलेट खाते हो, वो भी दो तरीके से काम करती है। एक तो चीनी खून में नहीं जाने देती हो, दूसरा पेंक्रियास जिसने इंसुलिन छोड़ना है होता है, और जिसके अंदर बीटा सेल जो एक हिस्सा लगा होता है जो इंसुलिन छोड़ता है, ये गोली है डायरेक्टली इसको बोलती है कि अगर तू 50% छोड़ रहा था बीमार होने की वजह से, अब तू 100% इंसुलिन छोड़, तो शुगर आपकी कंट्रोल हो जाती है। तो ये सारे काम है जो बिल्वा कर लेता है। गोली खाने वालों को डायबिटिक फुट है, ये गुर्दे फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन कम किस बीमारी की वजह से हो रहा था उसका इलाज नहीं हुआ है। ये एक तरह का ओवरराइड हो गया, एक तरह का बार डाल दिया है कि तू चाहे बीमार है पेंक्रियास, तुझे फिर भी काम करना पड़ेगा। एक दिन ये काम काम करके इतना थक जाता है कि इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तो फिर आपको इंजेक्शन पे आना पड़ता है। इसीलिए गोली खाने वालों की हालत बहुत ज्यादा आने वाले समय में बुरी हो जाती है। तो बिल्वा इन तीनों जगह से शुगर को कंट्रोल कर लेता है। ये इसकी जो रिसर्च है वो आपके सामने है, तो आप बिल्वा लेना शुरू कर सकते हैं। आप तीन चार तरीके से बिल्वा लेते हैं। जो बेल के पत्ते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा एंटी डायबिटिक इफेक्ट पाया गया है। 5-6 पत्तों का पेस्ट रगड़कर आप हर रोज लीजिए। पाउडर के अंदर कम पाया गया है। फ्रूट पल्प है, जो जूस है उसका, फ्रूट का, उसके अंदर भी कम पाया गया है। पर मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट है इसका, उसके अंदर काफी मात्रा में ये पाया गया है। लीव्स के से भी ज्यादा मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट के अंदर इसका जो एंटी डायबिटिक रोल है वो पाया गया है। तो बिल्वा आप यूज कीजिए, पत्ते यूज कीजिए, पाउडर में भी है, फ्रूट में भी है। पत्ते नहीं मिलते तो आप मिथेनोलिक एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए। पाउडर फ्रूट से ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। तो इसका ये बहुत ही गोली का बढ़िया अल्टरनेटिव है, साइड इफेक्ट फ्री है, और इससे आपके शरीर को नुकसान से भी, जैसे गोली खाने वालों को तो गुर्दे फेल है, हार्ट फेल है, टांग पैर कटवाने पड़ जाते हैं उनके, ये बिल्वा खाने वाले के साथ नहीं होता है। एमरजेंसी के लिए आप टैबलेट यूज कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, इसका सपोर्ट ले सकते हो, पर बिल्वा एक बहुत बढ़िया हर्बल इसके लिए ट्रीटमेंट है। शुगर है किसी को, इसके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब चलते हैं कि हर्बल तरीके फेल क्यों हो जाते हैं, ये काम क्यों नहीं करते हैं कि पर्सन को फिर से गोली लेनी पड़ जाती है, और गोली खाने वालों को एक दिन हाथ पैर क्यों कटवाने पड़ जाते हैं, उनके बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं, छल्ले हो जाते हैं, हड्डियां गल जाती हैं। तो उसका कारण ये है, शुगर होने के कुछ कारण होते हैं। जैसे किसी को एलर्जी हो, वीट से है, दूध से है, गेहूं से है, तो उनको शुगर हो जाती है। जिनका फैटी लीवर है या हेपेटाइटिस है या लीवर सिरोसिस स्टार्ट हो चुका है, उनको शुगर कंट्रोल नहीं होती। जिनके खून में इंफेक्शन चल रही है, ई एस आर बढ़ा रहता है, उनको शुगर कंट्रोल नहीं होती। जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड है, जो जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, वो ऐसे फूड खा रहे हैं,
कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा रहता है उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, स्टीरॉयड जो खा रहे हैं किसी भी बीमारी के लिए और एंटीबायोटिक लगातार वो एक एक दो दो महीने बाद खाते रहते हैं, इसीलिए बच्चों को भी शुगर हो रही है क्योंकि स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक पैनक्रियाज को ग्लास उड़ा देते हैं तो इंसुलिन नहीं बचता, इसलिए बच्चों को भी इंसुलिन लग रही है। तो आप परमानेंट ट्रीटमेंट, अल्ट्रासाउंड, अपनी सीबीसी की रिपोर्ट और अपनी इंफेक्शन की रिपोर्ट भी जांच करवाएं और साथ में ये हर्बल प्रेपरेशन यूज करें, नहीं तो ये हर्बल प्रेपरेशन भी आपके काम करना छोड़ देगी, फिर आप टैबलेट पे आ जाते हो और टैबलेट से शुगर तो कंट्रोल रहती है पर महिलाओं और पुरुषों के अंदर और भी बहुत ज्यादा रोग आ जाते हैं। तो उनके ऊपर सभी के ऊपर हमारी वीडियोज हैं, तो ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, इसका साइंटिफिक बेस आपको समझ आ गया होगा कैसे काम करती है, क्या करना है हमें, कौन से टेस्ट करवाने हैं और फूड हमेशा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका लो हो वो खाएं, साथ में बिलवा शुरू करें। मैं श्योर हूं आप पहले ही महीने में अपनी शुगर को 50% ठीक कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, जब भी मेरा समय होगा मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा पेशेंट है, आप अपने व्हाट्सएप पे, आप अपने फेसबुक पे हमारी वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए ताकि ये नॉलेज सभी तक पहुंच सके, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि किसी को इसका इलाज ही नहीं है और पेशेंट है वो साइड इफेक्ट से ही बच सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आगे भी ऐसी नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बीमारी किसी भी समय किसी भी फैमिली में आ सकती है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल